हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मेरी ड्यूटी लगी थी अपने स्टेशन केएलसी गेट पर, जहां अब एलसी गेट कुछ दिनों में समाप्त होने वाला है। इसको क्लोज कर दिया जाएगा और अंडरग्राउंड रोड बनाया जाएगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि किस तरीके से निर्माण हो रहा है अंडरग्राउंड रोड का। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एलसी गेट बंद होने से बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक गेट पे कम से कम 3 पॉइंट्समैन रखना पड़ता है, चाहे पॉइंट्समैन हो या ट्रैकमैन हो। अगर ट्रैकमैन वाली गेट है तो 3 गेट में 3 ट्रैकमैन, और अगर पॉइंट्समैन वाली गेट है तो 3 पॉइंट्समैन। ये कम से कम है, 3 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है अगर कोई अपसेंट हो गया या किसी को छुट्टी का ज़रूरत है तो 3 से ज़्यादा का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट्समैन या 3 गेटमैन का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर पूरे इंडिया में 2000 भी गेट है तो 2000 गुना 3 कर दीजिए, 6000 वैकेंसी कम होने वाली। ये मैंने आपको एक आंकड़ा दिया है। अब कितनी गेट है, बहुत सारी तो क्लोज हो गई है, बहुत सारी गेट 6 महीने से साल भर के अंदर में क्लोज होने वाली है। तो इसलिए आप लोग से जितना जल्दी हो पाए आप जल्द से जल्द रेलवे ज्वाइन कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलेगी। ये बात तो सही है। चलिए आइए दिखाते हैं आपको कि ये मेरा स्टेशन का जो ये बंद होने वाला है गेट रोड कैसे बन रहा है और किधर से बन रहा है, ये दिखाते हैं आपको। देखिए, ये हमारा एलसी गेट है 120, ये गेट है इधर, अभी बंद नहीं हुआ है, बंद होने में 10 से 15 दिन का टाइम है। इस पर हम काम करते हैं, 3 पॉइंट्समैन इस पर काम करते हैं। अब ये ट्रैकमैन भाई है जो कि वो क्रॉस ऑन ऑर्डर चलते रहता है, इधर ट्रेनों को स्लो जाना है तो वो इंडिकेट करते रहते हैं, उधर ट्रैक पर काम चल रहा है। तो ये नाइट ड्यूटी कर रहे थे, अब इनका भी रिलीवर आएगा सुबह में। अभी देखिए, ये वहाँ से अंडरग्राउंड रोड स्टार्ट हुआ है। पहले ये वाला रास्ता था इधर से होके, ये वाला रास्ता इधर से होके और इधर को निकल जाती थी ये वाला, लेकिन अब नया रोड जो बन रहा है आप देखेंगे इधर से, ये वाला जो है ये नया ग्राउंड है, रोड अंडरग्राउंड। ये देखिए, इधर से होके अंदर जाएगी, ये सब काम कंप्लीट हो चुका है। इधर से अंदर जाने के बाद अब आप देखेंगे इधर से ये ट्रैक है, ये अपना ट्रैक है, और ट्रैक के अंदर से इस ब्रिज को निकाला गया है इधर से होके, और उस साइड में निकल जाएगी ब्रिज। देखिए, इधर पूरा काम लगभग कंप्लीट है। इनको 31 मार्च तक कंप्लीट करना था लेकिन नहीं हो पाया, फिर भी काम बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन 31 मार्च तक नहीं हो पाएगा शायद। देखते हैं कब क्लोज होता है, जब क्लोज होगा तो आपको बताएंगे। इस एंगल से आपको दिखेगा ये वाला रोड है, ये अंदर होके आती है, ये ट्रैक है, ट्रैक के अंदर होके गई ये ब्रिज। और देखिए, इधर अभी काम चल रहा है, इधर 10-15 दिन का टाइम लगेगा। देखिए, ये अंडरग्राउंड ब्रिज, इधर से जाके ये दो अप का ट्रैक है और इस साइड ये डाउन का ट्रैक है, इधर से होके ब्रिज निकल जाएगी और उस साइड में जाके वो रोड बाहर हो जाएगा। देखिए ट्रैक के अंदर से होके और फिर ब्रिज इधर अंदर की ओर निकल जाएगा। ये अभी काम वर्किंग पे है और इधर से होके रोड उधर निकल जाएगा, ये अंडरग्राउंड रोड बन जाएगा। ये पहले का रोड है जो अभी चल रहा है, जो अभी ये रोड चालू है, लेकिन अब ये कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए इससे बेरोज़गारी कितना फैलने वाला है आप सोच सकते हैं। और इस गेट को क्लोज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेन को अगर 160 के स्पीड में चलाना है आपको तो गेट को तो क्लोज करना ही पड़ेगा। और इससे क्या होता है ना, गेट रहने से लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, क्योंकि कम से कम 10 से 15 मिनट एक ट्रेन निकलने में लग जाता है, क्योंकि गेट पहले ही क्लोज हो जाता है और बाद में ओपन होता है। इस वजह से तो लोगों का थोड़ा टाइम भी बचेगा और ट्रेन को स्पीड में चलाने के लिए तो गेट बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे सोचिए कितनी बेरोज़गारी फैलेगी। अगर रेलवे का तो ऊपर का जो भी डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी, बी, ए, वो सब तो प्रमोट करके ही भरा जाता है सारा, 60% 40% ही ओपन कैटेगरी में आती है। तो ग्रुप डी में ही ज़्यादा वैकेंसी आया करती थी पहले भी, अभी भी आएंगी, लेकिन ये सब वैकेंसी सारा कम हो जाएगी कुछ दिनों में, गेट क्लोज होने के बाद तो कम हो ही जाएंगी। इसलिए जो भी रेलवे में आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आ जाए। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ कि जो भी आने के लिए इच्छुक हैं थोड़ा प्रयास
तेज़ी से जारी रखें आने का। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।